आज हम लोग बात करेंगे DPF के बारे में। गाड़ी में ऐसा कौन सा कोड आने पर DPF को चेंज किया जाता है। तो यूट्यूब में आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा DPF का कोड आने पर, या DPF चौक हो गया है तो इस कंडीशन में लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्लीनर से क्लीन करके फिर लगा दे रहे हैं और गाड़ी चल रहा है। तो देखिए, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर DPF चौक होता है और ये कोड आता है तो आप इसको जितना भी क्लीन करें ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हो सकता है क्लीन करने के बाद 1-2 महीना 3 महीना तक चले, लेकिन रिपीट ये कंसर्न फिर से आएगा ही आएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मेरा पास भी एक गाड़ी आया है किया सोनेट, तो इसमें मैंने DPF चेंज किया था, वो चेंज करने का प्रोसीजर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, RJ ऑटोटेक चैनल में आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त राहुल। तो देखिए, DPF का जो कोड आता है जो जिसमें आपको DPF चेंज करना है, अदरवाइज जो और भी कई कोड है जिसमें आपको DPF आप रिफर्बिश करवा सकते हैं। तो अगर जिसमें आपका कोड आया है P200-300, इसमें ज़्यादातर DPF चेंज होता है, ज़्यादातर नहीं चेंज ही होता है, तो इसमें आप क्लीन नहीं कर सकते। तो अगर आप किया से या हुंडई से आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलने वाला है कि P200-300 आने पर आप इसको क्लीन नहीं करना है, डायरेक्ट चेंज ही करना है। तो चेंज करने से पहले आपको कुछ प्रोसीजर को यूज़ करना है, तो जो गाइडलाइन है इसको आपका शॉप मैनुअल में मिल जाएगा, DTC गाइड में। इस शॉप मैनुअल को आप फॉलो करके आप DPF को चेंज करना है। तो चेंज करने से पहले आपको पहले फ्यूल इंजेक्टर बैकलिक टेस्ट करना है, और आपका इनटेक लाइन और आपका एग्जॉस्ट लाइन आपको क्लीन करना है। तो चलिए, मैं आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने कैसे इसको फ्यूल इंजेक्टर बैकलिक टेस्ट किया और जो इंटेक एग्जॉस्ट आपको कैसे क्लीन करना है। तो इंटेक एग्जॉस्ट क्लीन करने का वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाया, मेरे को और भी काम था। तो जितना वीडियो है मेरे पास मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा। तो देखिए, DPF को चेंज करने से पहले बैकलिक टेस्ट करना ज़रूरी है, तो हम लोग बैकलिक टेस्ट कर रहे हैं। और जो बैकलिक टेस्टर लगाने के बाद इसका भी एक प्रोसीजर रहता है, बैकलिक किस प्रोसीजर को यूज़ करके आप बैकलिक टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये बैकलिक टेस्टर लगाने के बाद आपको 2 मिनट स्टार्ट करके गाड़ी को होल्ड पर रखना है, और 10 सेकंड 3000 RPM पे, और 10 सेकंड आपको आइडल पे ऐसे 3 टाइम करना है। टोटल 3 मिनट का आपका बैटरी टेस्ट होता है। तो इसमें देखिए, अभी मेरा स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें हम लोग 2 मिनट तक आइडल पर रखेंगे, और 10 सेकंड 3000 RPM और 10 सेकंड आइडल ऐसे करके हम लोग 6 टाइम करेंगे, 10 सेकंड आइडल और 10 सेकंड 3000 RPM पर। तो ये देखिए, खोलते टाइम थोड़ा ध्यान से खोलना है, क्योंकि जो आपका फ्यूल नीचे ना गिरे। कितना तक आने पर आपका जो बैकलिक है वो आपका सही है या गलत है, या इसको कैसे देख सकते हैं। तो इसमें आपको देखिए, चारों इंजेक्टर का बैकलिक आपको कंपेयर करना है। अगर चारों में आपको एक समान आ रहा है तो आपका बैकलिक ठीक है, अगर कम ज़्यादा है तो आपको पता चल जाएगा बैकलिक किस में ज़्यादा है किस में कम है। देखिए, इसमें अप्रोक्स आपका 20 ml से 25 ml के बीच में रहता है, तो आपका चारों में तो आपका फ्यूल बैकलिक टेस्ट आपका सही है। तो देखिए, हम लोगों का बैकलिक टेस्ट कर चुके हम लोग, तो अभी हम लोग DPF को खोलेंगे, खोलने के बाद इसका रिप्लेस करेंगे। तो DPF खोलने से पहले आपको इंटेक लाइन भी क्लीन करना है, और एग्जॉस्ट लाइन भी आपको क्लीन करना है, और आपका EGR बल्ब भी क्लीन करना है। तो हम लोगों ने ये वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला हम लोगों को, तो सिर्फ हम लोग आपको DPF चेंज करना आप लोगों को दिखाएंगे।
तो डीपीएफ चेंज करने के लिए देखिए आपको सस्पेंशन खोलना पड़ता है। तो अगर ये सस्पेंशन आप खोल देंगे तो आपका इजीली आपका नीचे से डीपीएफ निकल जाएगा। और आपका खोलने से पहले आपका एग्जॉस्ट लाइन का जो टेम्परेचर सेंसर रहता है, आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और आपका डीपीएस सेंसर का लाइन डीपीएस सेंसर और आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको वोटो सेंसर भी आपका लैम्डा सेंसर भी आपको चेक करना है कि उसका वायर का वोल्टेज सप्लाई या आपका कैन लाइन जो भी है पीएन सेंसर भी आपको चेक करना है। तो चेक करने के बाद आपको इसको जो नया वाला है इसको फिटिंग करना है। देखिए मेरा सस्पेंशन खोल गया है, अभी इस डीपीएफ को हम लोग नीचे उतारेंगे। हम लोगों के पास ये गाड़ी बहुत दिनों से पड़ा हुआ था क्योंकि हम लोगों के पास डीपीएफ अवेलेबल नहीं था, तो ये ऑर्डर पे था। तो हम लोगों ने पहले भी चेक कर लिया था ये इस डीपीएफ को, तो वो नीचे से पूरा बर्न हो चुका था और ऊपर से पूरा चौक हुआ पड़ा था। क्योंकि ये पूरा जो एग्जॉस्ट पाइप है ये पूरा काला हो गया। ये ज़्यादातर ख़राब होता है। देखिए आप जो BS6 गाड़ियाँ होते हैं, देखिए इसमें जो मिडिल पोर्शन है इसमें देखिए पूरा लाल हो चुका है, पूरा लाल ही ये जगह पूरा बर्न हो चुका है। तो P200-300 अगर कोड आता है तो इसमें आपको बाहर से बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन अंदर से DPF पूरा ख़राब हो जाता है। तो देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो मिडिल पोर्शन है इस पूरा लाल हो चुका है, तो यहाँ पे DPF जल गया है, पूरा चौक हो चुका था ये। तो P200-300 अगर कोड आता है तो इसमें आपको DPF ही चेंज करना है, इसमें आप रिफर्बिश नहीं करना है। अगर आप रिफर्बिश करते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। यह हो सकता है आप रिफर्बिश करके दिए लेकिन 2-3 महीने के बाद ये रिपीट कंसर्न लेके कस्टमर आपके पास जरूर आएगा। तो जो DPF का ऊपर से आपका ये तीन पोल खोलने के बाद आपका DPF नीचे उतर जाएगा। तो ये काम ध्यान से करना है। और BS6 गाड़ी को आप ज़्यादातर अगर शॉर्ट या आप जम टाउन एरिया पे आप चला रहे तो आपको ये कभी कभी क्या करना है, आपको हाईवे पर ले जाके आपको इसको रिजनरेशन करना है, क्योंकि इसमें एक ऑटो रिजनरेशन होता है। तो इसको आप एक मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर पे आपको इसको चलाना है, तब ये ऑटो रिजनरेशन होगा। अगर आप शॉर्ट डेली 3-4 किलोमीटर चला रहे तो ये आपका ऑटो जो रिजनरेशन है ये आपका नहीं होगा। अगर डेली आप ऐसे 4-5 किलोमीटर चला रहे तो आपका जो क्लस्टर मीटर है इसमें आपका DPF रिजनरेशन का आपका रिमाइंडर देगा, आपको रिजनरेशन करना ही करना है। आप अगर इसको अवॉइड करते तो आपका DPF जो फिल्टर है ये आपका ख़राब हो जाएगा। देखिए इसमें कैसे कार्बन पड़ा हुआ है, देखिए ये पूरा चौक हो चुका था ये। ये कस्टमर भी ये गाड़ी को ज़्यादातर शॉर्ट चलाते हैं, डेली 3-4 किलोमीटर चलाते, इसको लॉन्ग ड्राइव नहीं करते ये। देखिए ये मेरा खोल चुका है, तो इसका जो जितना भी सेंसर है इस सेंसर को मैं क्लीन करके नया वाला DPF में लगाऊंगा। तो देखिए ये राइट साइड में मेरा नया DPF है, तो इसमें मैं सब सेंसर को क्लीन करके इसमें फिटिंग करके लगाऊंगा। ये पूरा ख़राब हो चुका है, नया वाला DPF फिल्टर आप चेक कर सकते हैं कैसा रहता है। तो ये टेम्परेचर सेंसर है, और तो टेम्परेचर सेंसर को खोल के आपको अच्छा से क्लीन करके आपको लगाना है। टेम्परेचर सेंसर आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपका वाटो सेंसर और आपका DPS सेंसर और PN सेंसर, इन चारों पांचों सेंसर को आपको अच्छा से क्लीन करके आपको लगाना है। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर में कितना कार्बन जमा हुआ है। और ये मेरा डाउन स्ट्रीम सेंसर है वाटो सेंसर, और ये मेरा PM सेंसर है। PM सेंसर को भी
क्लीन करके फिटिंग करना है। देखिए पीएमसी से पूरा ब्लॉक हो चुका है, इसको अच्छे से क्लीन करके फिटिंग करेंगे। पूरा अंदर से चौक हो चुका है, देखिए इसको अच्छे से क्लीन करना है और इसको बाद में हवा मार के फिटिंग करना है। देखिए मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, तो जो होल था ये पहले पूरा होल बंद हो चुका था जाम होके, कार्बन इतना जमा हुआ था इसमें पूरा होल को बंद कर दिया था। तो ये जो नया वाला डीपीएफ फिल्टर है, इसमें डीपीएफ में इन सेंसर को क्लीन करके लगाएंगे, वो लगाने के बाद गाड़ी में फिटिंग करके आप लोगों को ये वीडियो लिखिए। मैं यहाँ पे लोड थोड़ा ज़्यादा था मेरा, ये मैंने पूरा वीडियो को कवर नहीं कर पाया, तो जितना था मैंने शूट किया था तो इतना ही मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। ये मेरा पूरा अच्छा सेंसर लग चुका है, अभी इस डीपी को हम लोग गाड़ी में फिटिंग करके उसके बाद चेक करेंगे इसको। जो आपका ऑटो रीजनरेशन है इसको सिर्फ डीपीएफ लगाने के बाद आपको गाड़ी नहीं चढ़ना है, इसमें आपको चेक करना है आपका जो ऑटो रीजनरेशन है वो इसका ये आपका हो रहा है कि नहीं। इसको आप गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद इसमें आपका डीपीएफ रिसेट करना पड़ता है। डीपीएफ को रिसेट करने के बाद आपका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सेंसर को भी रिसेट करना है, जो वैल्यू रहता है उसको रिसेट करके देना। देखिए ये मेरा लग चुका है, पूरा फिटिंग हो चुका है, तो इसको मैं अभी चेक करूँगा स्टार्ट करके और जो ऑटो रिजनरेशन ये हो रहा कि नहीं देखूँगा। वो नया डीपीएफ लगाने के बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा 100% तक जाएगा या 105.7 तक आपका शूट परसेंटेज इतना तक जाएगा, तो यहाँ से आपका जो शूट परसेंटेज है ये आपका ऑटो रीजनरेशन होके पूरा जीरो तक आ रहा है कि नहीं, तो ये भी आपको चेक करना है। वो चेक करके पूरा आपको इसमें इंस्पेक्शन करके आपको यह गाड़ी चढ़ना है। तो चढ़ने से पहले आपको कस्टमर को बोलना है, अगर ये BS6 के बारे में नहीं जानते तो इसको पूरा जानकारी देके आपको चढ़ना है, क्योंकि इसमें आपका फ्यूल क्वालिटी और आपका इंजेक्टर सही होना चाहिए और आपका ख़राब डीजल नहीं डालना है गाड़ी में, और आपको इस ज़्यादा इसको शॉर्ट में नहीं चलाना है गाड़ी को, जो ज़्यादातर डीजल गाड़ी है शॉर्ट में नहीं चलाना है, उसको लॉन्ग में भी चलाना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक ऑटो रीजनरेशन होता है ये आपका कभी भी नहीं होगा। अगर ज़्यादा आप शॉर्ट साथ चला रहे गाड़ी को तो आपका जो रीजनरेशन का जो रिमाइंडर रहता है ये आपका क्लस्टर में आपको ज़्यादा दिखाई देगा, तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना। अगर आपका क्लस्टर पर अगर रीजनरेशन का रिमाइंडर दे रहा है तो आपको पार करके आपको जो ज़्यादातर लूट देके आपको इसको रीजनरेशन करना है। तो गाड़ी में देखिए तीन तरीके का रीजनरेशन होता है, या एक आपका हो गया ऑटो रीजनरेशन और आपका हो गया सेल्फ रीजनरेशन, जिसमें आपको गाड़ी स्टार्ट करके आपको एक खाली जगह पे रख के तो इसमें आपको जो आपका डीपीएफ का जहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ था इस यहाँ पे जाके इंजन का जितना लोड है आपका हेडलाइट हाई बीम पे होगा और आपका एसी ब्लोअर फुल होगा, तो इस कंडीशन में जितना भी लोड है गाड़ी में आपका इलेक्ट्रिकल इसको लोड देके आपको पार्क रीजनरेशन करना है, जिसको हम सेल्फ रीजनरेशन बोलते हैं। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आपको लास्ट ऑप्शन है आपको जो आप हम लोग KDS से करते हैं रीजनरेशन या स्कैनर थ्रू। ऐसे अगर आपका कार का ओनर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी ये इसमें कुछ नॉलेज आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपका पास अगर डीजल गाड़ी है BS6
तो इसमें आपको ये प्रोसीजर यूज़ करके आपको कार को ड्राइव करना है। अगर इस कंडीशन को आप अवॉइड करते हैं तो आपका डीपीएफ फिल्टर चौक हो जाएगा, इसमें आपका बहुत खर्चा आएगा। तो आपको ये इस प्रोसीजर को यूज़ करके आपको डीपीएफ रीजनरेशन करना है। अगर ऑटो रीजनरेशन नहीं हो रहा है आपका, या आप शॉर्ट लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा रहे हैं, तो अगर आप शॉर्ट में चला है तो आपका रिमाइंडर क्लस्टर पे आएगा, इसको आप अवॉइड नहीं करना है, इसको आप रीजनरेशन करना है। जिसमें जितना भी आपका पार्टिकुलेट जो मेटल पार्टिकुलेट रहता है आपका डीपीएफ में जमा होता है, तो इसको भी ज़्यादा होने के बाद इसको भी आपको क्लीन करना है। तो ये रीजनरेशन करने के बाद ये क्लीन होता है, नहीं तो आपका डीपीएफ चौक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जितना मेरे पास नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया है, और इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।